पहले वाइब और फील आती है वो यहां डेफिनेटली तो देखी जा रही है जो पोर्ट्रे होती है ऐसी को है। ये ये अपने से हुआ है क्या Infosys का एक प्रोवाइड कर रहा है या currently ये वैल्यू ट्रैप है डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में हम पॉइंट बाई पॉइंट ऑब्जेक्टिवली

इन्होंने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं बिकॉज ऑफ वेल नोन रीजन ऑन द डिमांड साइड फॉर एक्साम्पल यूएसए में इन्फ्लेशन और रिसेशन के कंसर्न यूरोप जियो पोलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है एंड इसी के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन होते हैं फ्रेंड्स आईटी में ना सिस्टम सोनर लेटर अपग्रेड करती ही है बिकॉज इट गिव्स सर्टेन एडवांटेजेस टू दी ऑर्गेनाइजेशंस। आज की डेट में अगर आपके सिस्टम्स अपडेटेड नहीं है एंड स्पेसिफिकली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन यू स्टैंडर्ड बैकफुट तो ये चेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं बट प्रॉब्लम यहाँ पे है ये नेचर ऑफ स्पेंडिंग का इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रेपनरी माना जाता है और आईटी सिस्टम्स या अपग्रेड डिस्क्रेनरी नेचर के चलते क्लाइंट्स थोड़ा सा डिले कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी कंसर्न यहां पे डिमांड साइड पे आई सेक्टर में करंटली कुछ चैलेंजेस या हेडविड्स देखे जा रहे हैं और इसी के चलते एक शार्प रिएक्शन सी आईटी के इंडेसिस पे भी देखा गया है वेयर इट इज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 12 टू 13 परसेंट फ्रॉम इट्स रीसेंट पीक्स ऑफ अराउंड 31,000 स्पेसिफिकली आईटी में अगर हम इंफोसिस की भी बात करें ना तो इनके रिसेंट रिजल्ट्स उतने ओवरवेलमिंग नहीं थे इनफैक्ट बिकॉज ऑफ गिविंग आउट म्यूटेड नंबर्स इनके स्टॉक में एक शार्प करेक्शन दिखा गया जहां पे ये स्टॉक दस परसेंट से करेक्ट हुआ दिस इज बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिंस अक्टूबर ट्वेंटी बट अब आप पूछोगे कि जनक भाई एग्जैक्टली exactly रिजल्ट में ऐसा क्या था तो चलिए एक दो मिनट लगा के वो क्विकली डिस्कस करते हैं सबसे पहले अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस रेवेन्यूज के फ्रंट पे देखूं वो भी क्वार्टर एन क्वार्टर मतलब ये क्वार्टर के रेवेन्यूज को कंपेयर करूँ पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पे दो परसेंट की अप्रोक्सीमेटली गिरावट देखी गई है ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पे पॉइंट फाइव परसेंट से रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम लेवल्स ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी एक तो सेल्स नहीं बढ़ी ऊपर से मार्जिनस भी कम हुए ये फिनमिनन को मार्जिन कंप्रेशन कहते हैं और मार्केट्स इतना पॉजिटिवली नहीं लेता लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल पहले मान लीजिए अगर आपकी सेल्स सौ रुपए की थी और मार्जिन दस परसेंट था तो उस पर आपका मुनाफा होता था दस परसेंट का अब मान लीजिए किसी कारणवश आपकी बिक्री या सेल्स कम हुई और सिर्फ नब्बे रुपए हुई और उसके साथ साथ उस पर आपके मार्जिन भी गिरे अज्यूमिंग से नौ परसेंट तो ये नए सिनारियों में आपका मुनाफा बनेगा आठ और ऐसा ही कुछ इंफोसिस के, के केस में भी देखा गया जहां उनका मुनाफा अप्रोक्सीमेटली कम हुआ फ्रॉम द रेंज ऑफ 6,600 टू तो 6,100 ये रिडक्शन लगभग 7 परसेंट की रेंज में हुई अल्टीमेटली फ्रेंड स्टॉक मार्केट अर्निंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और यहां पे अर्निंग्स में भी डिग्रोथ देखी गई है क्वार्टर वन क्वार्टर एटलीस्ट ये तो हार्ड सिग्नल्स हो गए अगर हम नंबर्स की बात करें बट सॉफ्टवेयर सिग्नल्स इवेल्यूएट करने के लिए मैनेजमेंट कॉमेंट्री को भी एस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यहां पे एज पर दी मैनेजमेंट कॉमेंट्री लास्ट ईयर इन्होंने सेल्स की गाइडेंस दी थी कि हमारा ग्रोथ लगभग 16 साढ़े सोलह परसेंट की रेंज में रहेगा उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल ग्रोथ इन्होंने डिलीवर की है वो 15.4 परसेंट के अराउंड है तो यहां पे भी इन्होंने मिस किया है ये फिन जहां मैनेजमेंट खुद आके कहता है कि हमारी ग्रोथ लगभग ये परसेंट के रेंज में रह सकती है इसको गाइडेंस देना कहते हैं और गाइडेंस के फ्रंट पे भी यहां पे एक माइनर मिस देखा जा रहा है

यूएसए में एक रीजनल बैंकिंग क्राइसिस भी चल रहा है हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस सुने होंगे एस बैंक के फर्स्ट रिपब्लिक सिग्नेचर बैंक एक्सेट्रा और इसी के चलते शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट फ्रंट पे सेंटिमेंट्स नरम गरम ही रह सकते हैं नंबर्स मैनेजमेंट कॉमेंट्री और तीसरा लेग होता है रिजल्ट इवेल्यूएशन में ग्रोथ ट्रिगर्स देखने का तो अगर हमें किसी भी आईटी कंपनी को ग्रोथ फ्रंट पे इवेल्यूट करना हो ना तो उसके डील विंस देखने चाहिए कि उसके पास कितनी डील या ऑर्डर बुक पड़ी है जो आगे वो आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है तो यहां पे इनके डील विंग्स परसेंट से गिरे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 9 परसेंट से प्लीज अंडरस्टैंड दोस्तों ऑर्डर बुक आईटी के केस के के में एक लीड इंडिकेटर होता है जो इशारा करता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कितनी हेल्दी रह सकती है मैनेजमेंट ने भी जो एफ के लिए ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो चार से सात परसेंट अराउंड है अब जस्ट परस्पेक्टिव के लिए कंपेयर कीजिए लास्ट ईयर जहां पे एक्चुअल ग्रोथ लगभग पंद्रह परसेंट से ज्यादा रही है उसके कंपैरिजन में मैनेजमेंट ने यहां पे गाइडेंस स्टार्ट की है चार से सात परसेंट के रेंज में While ये अभी भी ग्रोथ है बट एग्जैक्टली exactly वो पॉइंट जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा वो ये था कि इनकी ग्रोथ स्लो हुई है बट दोस्तों प्लीज नोट मार्केट बहुत ही एक्सेलेंट डिस्काउंटिंग मशीन है आई से डिस्काउंटिंग मशीन इसका ये मतलब होता है कि फ्यूचर में जो जो चीज़ होने वाली है ना वो बहुत तेजी से और एफिशेंटली मार्केट अपने प्राइस में फैक्टर इन करता है ये वाला पार्ट एनालाइज और एसेस करना सबसे ट्रिकी पार्ट होता है बट एक एटलीस्ट एफर्ट तो डालते हैं नेक्स्ट सेक्शन में इसको एसेस करने की ये वाला असेसमेंट एक्यूरेसी के लिए नहीं है कि 100 परसेंट एक्यूरेट हमें होना है बट डायरेक्शनली चीजें करते हैं असेस करने के लिए मैं दो चीजें इवेलुएट करना प्रीफर करता हूँ सबसे पहले वैल्युएशन और टेक्निकल एनालिसिस जहां मैं परसेप्शन गेज करता हूँ तो फर्स्ट सबसे पहले अगर मैं वैलुएशन के फ्रंट पे बात करूँ ये करेंटली ट्वेंटी प्राइस अर्टिंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है जो लेवल्स इनके प्री कोविड के अराउंड थे तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ डी रेटिंग तो देखी गई है डी रेटिंग मतलब मार्केट पहले एक रुपए की इन no होता है और आगे आने वाले एक से तीन क्वार्टर ऑलरेडी फैक्टर करता है करंट प्राइस में वाइल अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना वो स्ट्रिक्टली कंपेरिजन नहीं है बट जस्ट एक परसपेक्टिव के लिए देखिए इनकी वैल्यूएशन या मूल्यांकन पिछले दस साल के एवरेज नंबर के भी नीचे है जस्ट टू सपोर्ट आर ऑब्जर्वेशन ऑन दी वैल्यूएशन फ्रंट बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जैसे कि जेपी मॉर्गन मकवाइरी नोमूरा सिटी ग्रुप इन्होंने यहाँ पर रेटिंग्स में इनकी डाउनग्रेड भी किया है सो so, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में वेल well नोन है वेल इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस में और करेक्शन नहीं देखा जाएगा बट पर्सनली वॉट आई फील ओवर यर इसके बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म देखी जा रही है आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए इंडिया जाना जाता है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर विद गुड बैलेंस शीट्स कैश फ्लोज एक एसेट लाइट बिजनेस और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो ऑनशोर क्लाइंट्स को लो कॉस्ट में टेक uh, के भी एडवांटेजेस देता है सो दिस इज समथिंग डेफिनेटली टू स्टे एक ऐसा कुछ मेजर नहीं है वेल नो डाउट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखे जाते हैं बट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पर से कभी भी रिप्लेस नहीं होगी बिजनेसिस की सक्सेस इस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने बिजनेस मॉडल कितना अच्छे से इवॉल्व करते हैं अब ना ये सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी कंबाइन करते हैं ये स्टाइल को जहाँ पे मैं फंडामेंटल्स को टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कंबाइन करता हूँ इसे मैंने ओवर द इयर्स डेवलप किया है और इसे टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग कहते हैं मेरी डीप डाइवर्स की एक एक्टिव कम्युनिटी है जहाँ हर महीने हम एक बिजनेस या स्टॉक पर चर्चा करते हैं टेक्नो फंडामेंटली और ये वाला स्टॉक मेरे वॉचलिस्ट पर भी होता है दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज से मेंबर्स का अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च का टाइम काफी कवर किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉक्सी इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस ब्लॉग्स भी करता रहता हूँ तो ये सब आप अवेल कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइवर्स लेवल ऑफ मेंबरशिप्स तो आपके सामने मैंने इन्फोसिस के मंथली चार्ट रखे हैं और यहाँ पे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन लास्ट टाइम 2009 में बड़े क्राइसिस में इन्फोसिस ने लगभग आफ्टर एंड अराउंड द क्राइसिस 40 से 50 परसेंट की करेक्शन दिखाई थी ये टाइम अपने पीक लेवल से समवेयर इन द रेंज ऑफ 35 फाइव टू थर्टी परसेंट ये करेक्ट हुआ है सो so, एक ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे इमिजिएटली निकल आती है कि नो डाउट एक सिग्निफिकेंट करेक्शन तो देखी गई है बट डाउन कभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती अब डाउन साइड होगी या नहीं और हुई तो कितनी सिग्निफिकेंट होगी ये तो समथिंग सिर्फ टाइम ही आंसर कर सकता है बट दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन और भी इंटरेस्टिंग है अगर कोई इन्वेस्टर 2009 या पूरे पुराने क्राइसिस के दौरान साइडलाइंस पे रहता तो वो एक मैसिव रन 300 परसेंट का मिस करता ये वाले बिजनेस में एंड बाई द्री हंड्रेड परसेंट ये सिर्फ एक रफ नंबर है फ्रॉम पीक टू पीक लेवल्स मैं बॉटम से पीक की बात नहीं कर रहा अब मैं मूव ऑन फ्रॉम मंथली टू वीकली तो कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के आती है ऐसी डाउन ट्रेंड को देख के सबसे पहले तो यहाँ पे गैपडाउन देखे गए जिसके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे कितना इसको करते आ रहा है प्लस ये स्टॉक करंटली अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। और ये वाले लेवल से काफी दूर भी है जो सिग्निफाई करता है स्टेज फोर ऑफ डाउन ट्रेड और पर्सनली दोस्तों मैं उतना प्रेफर नहीं करता ऐसे बिजनेस अपने पोर्टफोलियो में रखना जहां पे स्टेज फोर का एक करेक्शन देखा जा रहा हो एज पर दी स्टैन विंस्टिन मॉडल अगेन दिस इज बेसिस माई पर्सनल ओपिनियन और मेरे रिस्क कैपिटेट के हिसाब से है प्लीज नोट आई मे गो रॉन्ग भी ये वाले केस में लेस देन है इज इंडिकेटर ऑफ सो नेट नेट पे मैं अगर की टेक की बात करूँ जो सबसे पहला टेक अवे वो ये है कि बिजनेसेस और सेक्टर्स ना साइकिल से गुजरते हैं पीक्स और बॉटम्स आते रहते हैं और अगर मैं आईटी सेक्टर और स्पेसिफिकली इन्फोसिस की बात करूँ तो करंटली कुछ चैलेंजेस और हेडविन से तो गुजर रहे हैं वन कैन नेवर बी श्योर की ये चैलेंजेस आने वाले कितने क्वार्टर्स के लिए रहेगी वैल्यूएशन के फ्रंट पे नो no डाउट एक कंफर्ट है बट हमारा एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए हमें टेक्निकल्स का भी सहारा लेना चाहिए टाइम टू टाइम एट द एंड ऑफ दिस एंटायर एंटा इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड कैन इमर्ज इन सेक्टर ऑफ आई पर हमें स्टॉक पिकिंग में चूज ही रहना चाहिए ये टाइम मैं यूज करूंगा अच्छे बिजनेसिस को स्टडी करने के लिए आई सेक्टर में और अपनी वॉचलिस्ट तो एटलीस्ट रेडी रखें इनफैक्ट आईटी के साथ साथ मेरी वॉचलिस्ट में दो ऐसे केमिकल के स्टॉक्स हैं जो मैंने रिसेंटली इवेल्युएट किए हैं ये दोनों स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं ये वाले वीडियो में तो अगर आप केमिकल सेक्टर पे बुलिश हो इन इंडिया एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी तो दिस इज वन वीडियो विच यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस